हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सिविल इंजीनियर्स आई यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं कि हाउ टू गेट एक्सपीरियंस आफ्टर डिग्री या डिप्लोमा। अगर आपने डिग्री या डिप्लोमा कर लिया है तो अक्सर क्या होता है सिविल इंजीनियरिंग में कि आपको जॉब नहीं मिलती है। अगर आपकी प्लेसमेंट होगी तो ठीक है, अदरवाइज़ आपको अगर आप कहीं भी जॉब फील्ड पर जाते हो या किसी भी कंपनी में ट्राई करने के लिए जाते हो तो अक्सर वो एक्सपीरियंस मांगते हैं। आप यहीं पर अगर अपनी PSUs भी देख लें उनमें भी काफ़ी बार जो है एक्सपीरियंस मांगा जाता है। तो एक्सपीरियंस ले कैसे? सबसे बड़ी तो एक ग्रेजुएट या एक डिप्लोमा होल्डर के पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वो एक्सपीरियंस कैसे ले। तो आज हम उसी की बात करने जा रहे हैं कि आप कैसे एक्सपीरियंस ले सकते हैं अगर आपको प्राइवेट सेक्टर में जाना है। गाइस, अगर आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है तो आप अपनी जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन है वो करें। ऑल्सो अगर आपके पास गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हुए काफ़ी टाइम हो चुका है और आप एक सेकेंडरी ऑप्शन देखना चाहते हैं प्राइवेट सेक्टर में, तो आप तब भी आप अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और इस प्रोग्राम पे ज्वाइन करने के बाद आपको अपने, क्योंकि अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के टाइम आपको ज़्यादा पावर नहीं होती है, ज़्यादा आपको फील्ड पे काम नहीं करना होता है, तो उस वक्त क्या होता है कि आपके पास वर्क प्रेशर भी कम होता है, आप अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं और साथ ही साथ आपको वो स्टाइपेंड दे देते हैं। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली डिप्लोमा होल्डर्स के लिए वो स्टाइपेंड 7500 के आसपास होता है और डिग्री होल्डर के लिए 15000 के आसपास वो स्टाइपेंड रहता है। हमारी गाइस जितनी भी PSUs हैं, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, ठीक है, वो सब अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम लेके आते हैं। जैसे कि अगर आप किसी डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए देखें तो वो अपना अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम है वो लैब टेक्नीशियंस के लिए लेके आते हैं। वैसे ही ग्रेजुएट कॉलेजेस होते हैं। हमारी अगर कोर सिविल इंजीनियरिंग की कंपनीज देख लें जो कि PSU हैं, जैसे कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हमारी NBCC, ठीक है, जितनी भी हमारी कोर ब्रांचेज हैं ये सब अपना अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम लेके आती हैं, जिसमें कि आपको ये एक साल के लिए अपने साथ अप्रेंटिसशिप के लिए रखती हैं। उस दौरान आपको सैलरी भी देती हैं, कुछ अलाउंसेस भी देती हैं और कई बार अगर कंपनी काफ़ी अच्छी हो तो वो आपको रहने के लिए रूम भी प्रोवाइड करवा देती है। तो आई थिंक ये काफ़ी अच्छे एक अच्छा ऑप्शन है, स्पेशली फॉर गर्ल्स की अगर बात करें तो। गाइज, गर्ल्स को तो पता ही होगा कि साइट पे उनको जॉब मिलना सबसे मुश्किल है, बिकॉज साइट पे तो नंबर वन फ्रेशर्स के लिए तो वो एक्सपीरियंस मांगते हैं, नंबर टू वो देखते हैं कि मेल कैंडिडेट हो। तो अगर आप अप्रेंटिसशिप वाली साइड जाते हैं तो कल को आपके पास एक सर्टिफिकेट होगा, बिकॉज जो अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम करने के बाद आपको जो है सर्टिफिकेट भी मिलता है उस कंपनी के थ्रू। तो आप उस सर्टिफिकेट के दौरान भी जो प्राइवेट कंपनीज है उसमें काफ़ी अच्छी सैलरी ले सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप नॉर्मली किसी भी प्राइवेट कंपनी में जाते भी हैं वो, तो आपको फ्रेशर को तो 10 to 13,000 के अराउंड ही सैलरी प्रोवाइड करता है, तो यहाँ पे सैलरी भी थोड़ी सी आपको ज़्यादा मिल जाएगी। अगेन, सीखने को भी मिलेगा, आप अपने गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं, तो काफ़ी इसके बेनिफिट्स हैं अगर आप इसको अवेल करना चाहें तो। तो बात कर लेते हैं कि इसमें आपको क्या क्या करना पड़ेगा। ये एक प्रोसीजर कॉपी है गाइस, जो आपकी जो नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम का जो लिंक है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ स्टूडेंट यूज़र मैनुअल का जो लिंक है ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं उस लिंक पे क्लिक करके। तो गाइस, अगर हम बात करें कि नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के थ्रू आपको होगा क्या, गाइस क्या है ना, गवर्नमेंट ने, क्योंकि हर एक जब भी आप किसी भी कंपनी में जाते हैं एक्सपीरियंस मांगते हैं, तो गवर्नमेंट ने अप्रेंटिसशिप के थ्रू आपको एक्सपीरियंस देने का के लिए ये स्कीम निकाली है। इसमें क्या कर सकते हो आप, अपनी डिग्री के बाद 3 साल जो भी आपके होंगे, जैसे कि 2021 चल रहा है तो 2021, 2022 और 2023 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और अपना अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम कर सकते हैं, इनकी जो है साइट पे लॉगिन कर सकते हैं। और गाइस, सबसे अच्छी बात यह है कि जो हमारा पूरा साल होता है ना, उसमें काफ़ी बार जो है आपको अप्रेंटिसशिप के लिए जो है वो वैकेंसी निकलती हैं और काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनीज़ की निकलती हैं, जैसे कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये भी अपना अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम लेके आता है। ठीक है, बस ये है कि आपको अप्रेंटिसशिप ख़त्म होने के बाद वहाँ पे जॉब्स मिलना, ऐसा नहीं है कि आपको जॉब्स मिल जाएगी, कोई श्योरिटी नहीं है, बट हाँ, कल को अगर वो आपके अप्रेंटिसशिप ख़त्म होने के बाद जस्ट वैकेंसी निकालते हैं तो आपको एक प्रेफरेंस तो जरूर मिलेगी वहाँ पे। ठीक है, सेकंड चीज़ ये गाइस, आप अप्रेंटिसशिप करते हुए एक चीज़ याद रखें कि ये मत करिएगा कि आपने अप्रेंटिसशिप की किसी रेलवे की कंपनी में, ठीक है, जैसे इरकॉन होगी, हमारे पास RPNL होगी, इनमें आपने अप्रेंटिसशिप की और आप कल को अप्लाई कर रहे हो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, तो वहाँ पे जो आपका एक्सपीरियंस है वो काउंट नहीं होगा, बिकॉज वो आपका एक्सपीरियंस
जो है वो रेलवे की फील्ड में, ना कि रोड्स की फील्ड में। तो ये एक चीज़ आप यह ध्यान रखिएगा कि आपको जिस फील्ड में कल को जाना है, आप उसी फील्ड के लिए जो अपना अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। अगेन गाइज, ये आपका कुछ इनका है जिसमें आपको इन्होंने बता रखा है कि कैसे आपका डैशबोर्ड होगा, कैसे आपको इसमें अप्लाई करना है। गाइज, इसमें आप अप्लाई डिग्री के बाद ही कर सकते हैं। डिग्री अगर आप परस्यू कर रहे हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं, याद रखिएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगेन जो है काफ़ी गाइज, जैसे DRDO हो गया, ISRO हो गया, गाइज ये अपने अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम अपने लिए भी लेके आते हैं जिसमें ये कुछ फ़ी चार्ज करते हैं। तो यदि अगर आपको ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे मिल रहा है मौका, जैसे कि ISRO हो गया, पर आई डोंट थिंक सो कि ISRO को कोई बेनिफिट आपको प्राइवेट सेक्टर में होगा, क्योंकि प्राइवेट के लिए जो है स्पेस का अभी तक कंपनीज नहीं है। तो आप कंपनी वही चूज़ करिएगा जो कि आपको प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी हेल्प करे, ठीक है। गाइस, आपको इसमें सर्टिफिकेट मिलता है जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, और आपको ट्रेनिंग के टाइम पे गाइस सिर्फ काम करना ही सिखाया जाएगा, आपसे काम नहीं करवाया जाएगा। आपको बस दूर खड़े होकर देखना है, ठीक है। अगर आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है, उनके पास उस दिन जो है नंबर ऑफ पर्सन की कमी है, ठीक है, एम्प्लॉयज़ की कमी है, तो आपसे उस दिन वो थोड़ा बहुत काम करवा भी सकते हैं। वैसे आपको लॉगिन करना है इनकी वेबसाइट पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपना यूज़र नेम, यूज़र आईडी डालना है, अपना आपको पासवर्ड क्रिएट करना है, ठीक है। उसके बाद आपको जो है लॉगिन करने के बाद आपको अपने कॉलेज की डिटेल्स डालनी है, अपने ग्रेजुएशन डिप्लोमा कहाँ से कर रखा है ये सब डालना है, ठीक है। उसके बाद गाइज आपको एक नीचे लिखा आएगा, कॉन्ग्रेट्स यू आर एलिजिबल। अगर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वहाँ पे लिखा आ रहा है, देन आप अपनी अगली जो है फुलफिलमेंट कर सकते हैं इस पे, ठीक है। आप अगला फॉर्म अपना भर सकते हैं। आपको अपना अकाउंट नंबर देना होता है, आपको अपनी प्रेफरेंसेस देनी होती हैं। गाइज, सबसे अच्छी बात अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम की एक और है कि आप इसमें अपना जो होम टाउन है वहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो, बिकॉज आपको पता होगा कि कुछ PSU स्टेट ओन्ड भी होती हैं, तो आप वहाँ पे भी अपना अप्रेंटिसशिप कर सकते हो। इसमें आपको बेनिफिट क्या होगा कि आप स्टाइपेंड आपको मिलेगा, आप घर से आपका आना जाना होगा, एंड आपको वहीं के ही अराउंड पे एक अच्छा एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा, जो कि मेरे को लगता है काफ़ी अच्छी चीज़ है, ठीक है। आपको पूरा जो अपना ये अपनी एप्लीकेशन फॉर्म है ये पूरा फिल करना है, ये सब ऑनलाइन ही फिल होगा, कोई इसकी फ़ी चार्ज नहीं होगी इसको करने की, ठीक है। आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर देना है जैसे कि मैंने बताया। उसके बाद गाइज आपको अपनी प्रेफरेंसेस भरनी है कि आपकी कौन सा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है। उसके बाद आपको फील्ड ऑफ इंटरेस्ट भरने के बाद आपको अपनी जो एरियाज़ हैं कि कौन कौन से आप स्टेट्स में काम करना चाहते हो, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्रेफरेंस ऑफ ट्रेनिंग, ये सब आपको फिल करना है, ठीक है। उसके बाद गाइज आपको आपका जो है एनरोलमेंट जो है आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सक्सेसफुली क्रिएटेड हो जाएगा। उसके बाद गाइज आपको एक एनरोलमेंट आईडी दी जाएगी, ठीक है। सारी जो डिटेल्स है वो NETS वाले चेक करके आपको एक एनरोलमेंट आईडी देंगे। उस एनरोलमेंट आईडी के बाद गाइज आपको जो है, आपको जब भी कोई अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम आता है PSU के थ्रू तरफ से, तो आपको वो जो एनरोलमेंट आईडी है वो वहाँ पे उनकी वेबसाइट पे, जैसे कि मान लीजिए DRDO ने अपना अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम निकाला, तो DRDO के जो अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम की डिटेल्स होंगी वो DRDO के पेज पे आएंगी। वहाँ पे आपको वो एनरोलमेंट आईडी वहाँ पे पेस्ट करना होगा, ठीक है, और उससे आपका जो है जो प्रोसेस है वो आगे चलेगा अप्रेंटिसशिप का। गाइस, करने के बाद जब आपका अप्रेंटिसशिप 1 साल का है, मान लीजिए 2 साल का है, उसके बाद आपको जो है सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा इस चीज़ का, जिसको कि आप अपने अगले जो भी आप प्राइवेट कंपनी में काम करना चाहेंगे तो आप उनमें उसको यूज़ कर सकते हैं। गाइज, ये बेस्ट तभी है अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है, नंबर वन। अगर आपको कहीं प्राइवेट जॉब मिल रही है जो कि आपको 15,000 से अच्छी सैलरी दे रहा है, या अप्रॉक्सीमेटली 15,000 भी दे रहा है, तो आपको प्राइवेट सेक्टर की तरफ ही चले जाना चाहिए। नंबर टू, अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको लगता है कि आपको साथ साथ आपको वर्क भी करना चाहिए, तो आप अप्रेंटिसशिप की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि इसमें काम ज़्यादा नहीं करवाया जाता है। अगेन, और नंबर थ्री गाइज, ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है और फीमेल कैंडिडेट्स, क्योंकि फीमेल कैंडिडेट्स को कभी भी साइड जॉब्स या फील्ड जॉब पे इतने जल्दी नहीं रखा जाता है। तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए अगर आप इस पे ऑप्शन को एक अवेल करते हैं, बिकॉज गवर्नमेंट आपको एक अच्छा वे ऑफ एक्सपीरियंस दे रही है कि आप एक्सपीरियंस ले सकते हैं इन कंपनी अच्छी, हमारी जो कंट्रीज की रियोन्ड जो हमारे PSUs हैं उनमें काम करने का आपको मौका मिल रहा है, तो आप उस ऑप्शन को भी अवेल कर सकते हैं। तो यही थी आज की हमारी वीडियो, तो आप इसको अवेल करिए, ठीक है, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।